balancing of equation by oxidation number method. ये एक method काफी important method है, most of the redox reactions में ये use होता है balancing of chemical equation के लिए. इस method के कई सारे step है. First step ये है कि भाई हम जो है oxidation number लिख देते हैं. Oxidation number लिखने के बाद जो है हम half equation बनाते हैं, oxidation half and reduction half. और उसके बाद जो है हम आपका ऑक्सीडेशन नंबर जिन एटम्स की चेंज हो रही है उन एटम्स को बैलेंस करते हैं, और उन एटम्स को बैलेंस करने के बाद जो है हम आपका उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का नेट चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद फिर हम उन्हें आपके स्टोचियोमेट्रिक कोफिशियंट में पुट करते हैं. स्टोचियोमेट्रिक कोफिशियंट में पुट करने के बाद अदर आयंस को बैलेंस करते हैं. अदर आयंस को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को वाटर से, और एसिडिक मीडियम में आपका जो है हाइड्रोजन को एच आयन से बैलेंस करते हैं. तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हम वन बाय वन केमिकल इक्वेशंस में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप आपका, जैसे हम एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं, और इक्वेशन में सबसे पहले हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर तो इसकी प्लस वन, इसकी प्लस सिक्स, इसकी माइनस टू. प्लस वन, प्लस सिक्स, माइनस टू. प्लस टू, प्लस सिक्स, माइनस टू. प्लस वन, प्लस सिक्स, माइनस टू. प्लस थ्री, प्लस सिक्स, माइनस टू. प्लस थ्री, प्लस सिक्स, माइनस टू. प्लस वन, माइनस टू. ठीक है, ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी. सेकेंड इक्वेशन में स्टेप में हमारे को ये करना है कि भाई इसमें किस किस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई. जैसे के टू सी आर टू सेवन की आपकी सी आर टू एसओ फोर होल थ्राइस बनी है, यानी कि आपका प्लस सिक्स से प्लस थ्री में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ है. एफ ई प्लस टू आपका एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हुआ है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है? दैट इज ऑक्सीडेशन. डिक्रीज इन ओएन, दैट इज रिडक्शन. और जो आप जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका आपका रिडक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. इसका केमिस्ट्री में बहुत एप्लीकेशंस है. आपका बहुत सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन्स को, ये सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में इसका हम यूज करते हैं. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका निसेंट ऑक्सीजन देता है. ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए फिर से वापस आ जाते हैं, और सेकंड स्टेप पर जो है हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनाए. तो आपका जो सेकंड स्टेप है, राइट हाफ रिएक्शन. तो आपकी दो हाफ इक्वेशन बन जाएंगी, के टू सी आर टू सेवन चेंजेस टू सी आर टू एस ओ फोर की होल थ्राइस. ठीक है, इनकी आप ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख लीजिए, प्लस सिक्स, प्लस थ्री. देन जो है आपका एफ एस ओ फोर चेंजेस टू एफ टू एस ओ फोर की होल थ्राइस. दिस इज योर सेकेंड स्टेप. अब जो है हम थर्ड स्टेप करेंगे. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, आपका
valence the atom whose oxidation number changes. ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, हम उस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेंगे जो एटम आपका जिसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है उस एटम को बैलेंस करेंगे. तो यहां पे सी आगे कितने, दो एटम. यहां पे सी आगे कितने हैं, दो एटम. यहां पे एफई का एक एटम है, यहां एफई के दो. बाकी आपको ऑक्सीजन, पोटेशियम या सल्फेट आयन से कोई लेना देना नहीं है, इनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए. तो यहां पर आपका ये ट्वाइस एफई एसओ फोर. ठीक है, तो जब हम इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो ये चीजें हमारे काम आएंगी. तो जो है आपका, ये आपका सेकंड स्टेप होगा. थर्ड स्टेप में आपको बैलेंस द नेट चार्ज बाय द ऑक्सीडेशन नंबर बाय इलेक्ट्रॉन्स. नेट जो चार्ज है उसको आप बैलेंस कीजिए. तो यहां पे नेट चार्ज कितना जाएगा, प्लस 12. यहां पे नेट चार्ज कितना जाएगा, प्लस 6. यहां पे नेट चार्ज क्या है, प्लस 2. ये प्लस 3, तो इसका नेट चार्ज हो गया प्लस 4 एंड प्लस 6. तो आपका 12 और 6 में कितने डिफरेंस है, 6 का, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर बैलेंस कर दिया. यहां पर 4 और 6 है तो यहां कितने बैलेंस कर दिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपका ये स्टेप हो गया. तो आपका जो फिफ्थ स्टेप है उसमें बैलेंस द इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स. ये आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इक्वलाइज करना है. इसमें कितने हैं, 6. इसमें कितने हैं, 2. तो इसमें आपके 6 हैं, इसमें आपके 2 हैं. तो आप जो हो इस इक्वेशन को 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दोनों साइड आपके 6-6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल देंगे. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का लेना और इलेक्ट्रॉन्स का देना, और कुछ नहीं होता रिडॉक्स रिएक्शन में. इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस देता है, दूसरा लेता है. तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो हमारे बैलेंस हो जाते हैं वही आपके स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का काम करते हैं. नेक्स्ट जो है आपका, हम इन स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इक्वेशन में पुट करेंगे. नाउ put the these coefficient, this one and this one, that in the chemical equation. In the chemical equation. तो यहाँ पर कितने था आपका, 1 है, 1 रहने दिया. ये कितना था, 2 into 3, 6. और यहां पर इतना जाएगा आपका 3. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है. इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है इन इक्वेशन की, हाफ इक्वेशन की हमारे लिए यूजफुलनेस खत्म होगी. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, बैलेंस द अदर. बैलेंस द अदर, जैसे आपका यहां पर सल्फेट आयन कितने हैं, सल्फेट आयन This is 1, this is 6, total कितने, 7. यहां पर कितने हैं, this is 1 plus this is 3 into 3, 9 plus 3, 30. तो आपके पास जो है 6 तो यहां पर थे और यहां 13 है, तो आप 7H2SO4. ठीक है, उसके बाद जो है आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में सोचना है. ठीक है, तो बैलेंस द ऑक्सीजन बाय वाटर, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. जैसे ये आपकी जो ऑक्सीजन थी ये सल्फेट आयंस की, सल्फेट आयंस में चली गई थी. यहां जो आपकी 7 ऑक्सीजन के एटम बचे थे, ये हमने 7 एटम आपके वाटर में डाल दिए. तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई. ठीक है, इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं. नेक्स्ट अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इनकी जो इस तरीके की इक्वेशन को हम आयनिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आयनिक इक्वेशन भी एक
शॉर्टकट मेथड होता है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का. तो आप जो हो अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो है आपने बैलेंस कर लिया, इसकी चाहे तो हम आयनिक इक्वेशन बना सकते हैं या यही रिडॉक्स का मेथड हम आयनिक इक्वेशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं. उसका भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल डिस्कस करेंगे. तो आपने जो है इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ना है, तो आपने इसको आयन को तोड़ लिया 2K+ Cr2O7-. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई सीआर को हम और ऑक्सीजन में क्यों नहीं तोड़ते, क्योंकि हमेशा वाटर में वही कंपाउंड्स आपके टूटेंगे जो जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा. जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो नहीं टूटेंगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में टूटेंगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अपने आयंस में नहीं टूटेंगे. तो आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में टूटेंगे, जैसे ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये भी टूटेगा, लेकिन वाटर डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि वाटर जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके नहीं टूटते. तो आपकी ये इक्वेशन नहीं बनेगी, पहली बात तो ये. उसके बाद आपने H2SO4 को जोड़ा +14HN+7SO4, तो आपका जो सल्फेट आयन है ठीक है यहां पर ये इसमें हो गया, और Fe आयन आ गए +6SO4 आ गए, दैट इज चेंजेस टू +2Fe+3+9SO4+ आपका +2Cr+3+3SO4+7H2O. तो आपके जो है KIN से KIN कट गए और सल्फेट आयन से सल्फेट आयन कट गए, यहां पर 7 और 6 13, यहां कितने 1 और ये आपके 30. तो आपकी नेट इक्वेशन ये बची +14HIN+6Fe+2+6Fe+3+2Cr+3+7H2. तो ये जो है आपकी आयनिक फॉर्म का ठीक है, ये और ये इक्वेशन एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि ये इसका शॉर्टकट है. तो आपका यदि आप इस इक्वेशन में नेट चार्ज देखें तो इसमें कितना बैठेगा आपका -2+14 और +12, ठीक है ना. तो आपका कितना जाएगा 24 यूनिट्स, यहां पर कितना जाएगा 18+6, दैट इज इक्वल टू 24 यूनिट्स. तो आयनिक इक्वेशन से क्वेश्चन करने में यह भी फायदा रहता है कि दोनों साइड जो चार्ज होता है वो इक्वल रहता है. जैसे ही आपकी एक आयनिक इक्वेशन है, इस आयनिक इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने में भी वही सब मेथड यूज होंगे जो आपके ऑक्सीडेशन का हमने पिछली इक्वेशन में करे थे ठीक है, और यहां पर हमारे को आंसर भी पता रहेगा. तो आपने जो है इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, जैसे इसका +7 -2+2+1+2 +3+1-. तो यहां पर जो है आपने ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया. तो आपने देखा कि एक तो Mn की चेंज हुई है और एक आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है. तो आपका जो है जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई उनकी दोनों की हाफ इक्वेशन बना MnO4 चेंजेस टू Mn+2, Fe+2 चेंजेस टू Fe+3. यहां पर इसकी 7 थी, दोनों साइड आपने एटम्स देखे, तो आपका जो है दो हाफ इक्वेशन बन गई. अब जो है आप इनके एटम्स तो Fe का भी एक यहां पर Mn का भी एक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप जो हो यहां पर इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो नेट रिजल्टेंट है यहां पर 7 होगी, यहां पर 2 होगी, यहां पे 2 होगी, यहां पे 3 होगी. इसको बैलेंस कर ले. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिया. अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी दोनों में 5 5 होगा इलेक्ट्रॉन. तो आपने यहां पर
5F3 करा और 5F3 तो यहां से जो कोफिशिएंट आया आप लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक को इक्वेशन में पुट कर दिया। आपके पास चार ऑक्सीजन फालतू है, चार ऑक्सीजन फालतू है तो यहां पर आपने 4H2O। अब वाटर को बैलेंस करने के लिए आप एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, दूसरी साइड एचआईएन ऐड कर देंगे तो आपके एक एचआईएन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयनिक फॉर्म्स की इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको आयनिक फॉर्म की इक्वेशन की बैलेंसिंग हो गई। अब यदि आप इसमें चार्ज गिनना चाहें तो इस साइड कितना चार्ज है आपका, -1 + 10 + 8 तो कितना हो गया आपका +17। और इस साइड गिरे +2 + 5 × 3 इधर भी +17 हो। इससे हमें पता लग जाता है कि आपकी ये इक्वेशन बैलेंस है।